गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने ट्यूसडे को रीड किया था फॉर्मेशन ऑफ सोयल, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के बार बार गर्म होने, ठंडा होने और बारिश गिरने की वजह से वो क्या हो जाती हैं, वो क्रैक हो जाती हैं और टूटकर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि कई वर्ष लग जाते हैं उन्हें बिल्कुल बारीक बनने में, और उससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। हमने रीड किया था। अब आगे हमारे देखिए 2 MCQs हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है हमारा, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या बोलते हैं? वाटर, पानी, सोयल मिट्टी, स्टोन स्टोन पत्थर। क्या होता है, क्या आएगा आंसर इसका? सोयल मिट्टी। ओके, सबसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? सोयल। सेकंड देखिए, रूट्स ऑफ प्लांट्स गो इनटू द सोयल टू गेट, जो प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर होती हैं और वो क्या प्राप्त करती हैं मिट्टी से, वो मिट्टी के अंदर से क्या प्राप्त करती हैं? वाटर एंड मिनरल्स। तो क्या प्राप्त करती हैं वो मिट्टी से, पौधों की जड़ें? वाटर एंड मिनरल्स, दोनों चीज़ें प्राप्त करती हैं। ओके, आगे देखिए, व्हाट डज सोयल कंटेन, मिट्टी के अंदर क्या क्या कण, क्या क्या चीज़ें विद्यमान होती हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट है, सोयल कंटेन्स स्टोन्स ग्रेवल, स्टोन मतलब कंकड़। ओके, सोयल कंटेन्स स्टोन्स ग्रेवल कंकड़ सैंड रेत क्ले मिट्टी एंड ह्यूमस। क्या होता है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये उपजाऊ परत होती है सबसे ये। आगे देखिए स्टूडेंट्स, लेसन रीड करने जा रहे हैं हम। टेक सम गार्डन सोयल, कुछ गार्डन की बगीचे की मिट्टी लीजिए। पुट द सोयल इन अ ग्लास जार, उस मिट्टी को किस में रख दीजिए? ग्लास के जार में, कांच के बर्तन में रख दीजिए। फिल द जार 3/4 विद वाटर, और उसके अंदर 3/4 पानी डाल दीजिए उस जार के अंदर। कवर इट विद अ लिड एंड शेक इट वेल, और उसके ऊपर क्या लगा देना है हमें? लिड लगा देना है, मतलब लिड मतलब ढक्कन। ओके, उसे हमें ढक देना है एंड शेक इट वेल, और उसे अच्छे से शेक करना है, मतलब हिलाना है। लीव इट इन अनडिस्टर्ब्ड, और उसे बिना हिलाए रख देना है, मतलब एक बार शेक करना है, फिर उसके बाद हमें ऐसे स्थान पर रखना है उसे कि उसे डिस्टर्बेंस ना हो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वी ऑब्जर्व डिफरेंट लेयर्स इन दी जार, और क्या हम क्या देखते हैं? वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंट लेयर जार के अंदर बन गई हैं। देखिए, एट द बॉटम ऑफ द जार, जार के बॉटम में क्या देखते हैं हम? वी सी अ लेयर ऑफ स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल, हम सबसे नीचे क्या देखते हैं जार के अंदर? सबसे नीचे की ग्रेवल की, स्टोन की परत बन गई है, मतलब कंकड़ पत्थर जमा हो गए हैं, और ये इट इज़ द हैवीएस्ट लेयर, और ये सबसे भारी परत होती है, मतलब ये जो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे कुछ समय के बाद, ये जो कंकड़ पत्थर हैं, जो सबसे हैवी परत है, वो सबसे नीचे बैठ जाएगी, अलग हो जाएगी। ओके, मतलब ये देखिए सब जार के अंदर सब लेयर बन गई हैं, तो सबसे नीचे कौन सी परत होगी? ग्रेवल की, कंकड़ की। अबव द लेयर ऑफ ग्रेवल वी फाइंड अ लेयर ऑफ सैंड, ग्रेवल के ऊपर हम क्या देखते हैं, किसकी परत पाते हैं हम? रेत की। कंटेनिंग लार्जर पार्टिकल्स, हम इसमें क्या देखते हैं? अधिक पार्टिकल्स होते हैं, अधिक कण होते हैं इसमें। ओके, बिल्कुल मतलब बारीक नहीं कहेंगे, बट फिर भी उसमें काफ़ी कण होते हैं। ओके, अबव द सैंड वी फाइंड क्ले दैट कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स, अब सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर वी फाइंड क्ले, हम क्या देखते हैं? हम पाते हैं मिट्टी को, दैट कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स, जो बिल्कुल बारीक होती हैं। ओके, देखिए सबसे नीचे कंकड़ पत्थर, फिर रेत, और फिर उसके बाद क्ले। क्ले क्या होती है? बिल्कुल बारीक होती है, बिल्कुल महीन चूर्ण की तरह होती है। ओके, दिस द वॉटर अबव द लेयर ऑफ क्ले इज़ नॉट क्लियर, जो क्ले के ऊपर
पानी की परत जो बन जाएगी वो क्या होगी, क्लियर नहीं होगी। क्यों क्लियर नहीं होगी? डेड लीव्स, ट्विग्स, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, ट्विग्स टहनियाँ, डेड लीव्स मतलब जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, जो मरी हुई पत्तियाँ होती हैं वो, एंड रिमेन्स ऑफ डेड इंसेक्ट्स फ्लोट ऑन द वाटर, जो मरी हुई पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होंगी और जो मरे हुए कीड़े होंगे वो पानी के अंदर तैर रहे होते हैं, तो वो पानी इस रीज़न से क्लियर नहीं होता। दिस इज़ डार्क ब्राउन इन कलर एंड इज़ कॉल्ड ह्यूमस। और इसके ऊपर एक और पानी के ऊपर ना एक बिल्कुल एक लेयर बन जाती है, मतलब ये जो टहनियाँ तैर रही होती है ना, तो इसी से एक परत बन जाती है, पत्तियों से, पत्तियों से और टहनियों से और मरे हुए कीड़ों से एक परत बन जाती है। वो किस कलर की होती है? डार्क ब्राउन कलर की होती है, और उसे क्या बोलते हैं हम? ह्यूमस, ह्यूमस होती है ये, ओके। इस परत को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमस। इट मेक्स द सोइल फर्टाइल, और ये सबसे ज़्यादा मिट्टी को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। दिस शोज दैट सोइल कंटेन्स ग्रेवल, सोइल कंटेन्स स्टोन्स, ग्रेवल मतलब स्टोन्स मतलब कंकड़, ग्रेवल भी कंकड़, सैंड रेत क्ले मिट्टी, ह्यूमस ह्यूमस, ओके। इस ये मतलब एक्सपेरिमेंट हमको क्या शो करता है, ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि मिट्टी के अंदर कंकड़, रेत, मिट्टी और क्या होता है, ह्यूमस होती है, ओके। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, सोइल कंटेन्स वाटर। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, मिट्टी के अंदर पानी भी होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट से हम शो करेगा कैसे होता है, देखते हैं हम। टेक सम गार्डन सोइल इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर एक क्या लीजिए, गार्डन की मिट्टी लीजिए। कवर इट विद अ लीड, और इसे ढक्कन से ढक दीजिए। हीट द कंटेनर, कंटेनर को गर्म कीजिए, उस बर्तन को गर्म कीजिए, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। ओपन द लीड, और ढक्कन को हटा लीजिए। वी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द लीड, और हम क्या देखते हैं, पानी की कुछ बूंदें लीड के ऊपर, लीड मतलब ढक्कन के ऊपर लगी हुई होंगी। दिस शोज दैट सॉइल कंटेन्स वाटर, और ये सब क्या दिखाएगा कि उसके मिट्टी के अंदर पानी भी विद्यमान होता है। देखिए सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर बगीचे की मिट्टी डालनी है और उस कंटेनर को ढक्कन से बंद कर देना है, और उसे हमें कुछ समय के लिए गर्म करना है, और गर्म करने से हम क्या देखेंगे कि पानी की कुछ बूंदें उस लिड पर, ढक्कन पर लगी होंगी। तो ये सब क्या दिखाएगा कि इसके अंदर पानी विद्यमान है, ओके, मिट्टी के अंदर पानी भी होता है। आगे देखिए, सॉइल कंटेन्स एयर, अब मिट्टी के अंदर एयर होती है, क्या होती है हम देखते हैं, अब कैसे प्रूव करेंगे ये सब। टेक सम गार्डन सॉइल इन अ जार, एक जार के अंदर हमें क्या लेनी है, गार्डन की मिट्टी लेनी है। प्योर सम वाटर ओवर इट, और हमें इसमें क्या डालना है, प्योर वाटर डालना है, साफ पानी डालना है इसके ऊपर। एज यू डू दिस, जैसे ही आप इसमें करोगे, यू नोटिस बबल्स फॉर्मिंग इन द सॉयल, और आप क्या नोटिस करोगे कि बबल्स जो हैं, छोटे छोटे बबल्स मतलब बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाएंगे मिट्टी के ऊपर। दिस हैपन्स बिकॉज द ट्रैप्ड एयर प्रेजेंट इन सॉयल एस्केप्स एज बबल्स, ये इस वजह से घटित होता है क्योंकि मिट्टी के अंदर जो एयर होती है वो पानी को नीचे जाने के लिए स्थान दे देती है, और इस ये शो हमें क्या करता है, पानी मतलब जैसे ही उस गमले के अंदर या फिर पॉट के अंदर या बर्तन के अंदर जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो बबल्स, हवा जो है बबल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। दिस शोज दैट सॉइल कंटेन्स एयर, और यह क्या दिखाती है, मिट्टी के अंदर हवा होती है, ओके, और जो हवा है वो पानी में बबल्स पैदा कर देती है, ओके ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब मिट्टी में क्या क्या विद्यमान होता है, सब ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस। वाटर तो हमने यहाँ पे देखा है ना, सॉइल कंटेन्स वाटर, एंड एयर भी विद्यमान होती है, ओके। अब आगे देखिए हमारा MCQs, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट है सॉइल कंटेन्स, मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है, वाटर एयर, वाटर एंड एयर,
तो आंसर क्या आएगा, वाटर एंड एयर, क्योंकि वाटर भी है और एयर भी है, तो आंसर क्या आएगा, सी। सेकंड देखिए, डेड लीव्स ट्विग्स एंड रिमेन्स ऑफ डेड इंसेक्ट मेक, तो जो मरी हुई पत्तियां हैं, डेड लीव्स हैं, जो सूखी हुई पत्तियां हैं और सूखी टहनियां हैं और कीड़े हैं, जो मरे हुए कीड़े हैं, वो मिट्टी को क्या बनाते हैं, वो क्या, कौन सी परत को बना देते हैं, ह्यूमस, क्ले, सैंड। सैंड होती है रेत, क्ले मिट्टी, ह्यूमस क्या आंसर आएगा इसका, ह्यूमस बना देते हैं, और जो कि ये मिट्टी को सबसे उपजाऊ बनाता है, ये पार्ट सबसे उपजाऊ बना देता है मिट्टी को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको लेसन समझ आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके आपको लेसन भी रीड करना है और 2 MCQs हमारे यहाँ हैं और 2 MCQs ये हैं, आपको लर्न करने हैं स्टूडेंट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।